स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल स्टडीज क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट रीडिंग. देन द टॉपिक इज मैप्स. मैप्स में जो है हमने नेक्स्ट रीडिंग आज हम करनी है और टॉपिक है फीचर ऑफ अ मैप. मैप्स की जो फीचर्स हैं वो हम इसमें रीड आउट करेंगे आज. एंड द फर्स्ट इज टाइटल. टाइटल प्रोवाइड्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द मैप शोज. टाइटल हम उसको बोलते हैं कि जो मैप है वो किस एरिया का या किस कंट्री का है जो वो शो करेगा उसको हम टाइटल बोलेंगे. सेकेंड इज सिंबल्स. सिंबल्स आर यूज टू शो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑन अ मैप लाइक रोड्स, रिवर और कैपिटल सिटीज. कि डिफरेंट शेप्स जो बनी होती हैं मैप में स्पेसिफिक जो होती हैं मतलब उनको सिंबल्स बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये जो शेप्स दी गई हैं ये जो हैं ये सिंबल्स हैं. नंबर थ्री लेजेंड्स. मैप यूज अ की और लेजेंड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द सिंबल्स यूज इन द मैप. कि मैप में जो सिंबल्स होते हैं उनको रिटन में जो एक्सप्लेन किया होता है उनको हम बोलते हैं लेजेंड की. द की यूजली शो अ स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच ऑफ द सिंबल यूज ऑन द मैप अलॉन्ग विद अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल. जैसे कि यहाँ पे है बीच, ये बीच का सिंबल है और इसको रिटन में डिस्क्राइब किया हुआ है तो ये की होगी. लेक, रिवर, स्ट्रीम और यहाँ पे और भी हैं नेक्स्ट में. ये जो है ये सब सिंबल्स एंड कीज हैं. नंबर फोर स्केल. द एक्चुअल साइज ऑफ अ कंट्री, सिटी और एनी फिजिकल फीचर कैन नॉट बी शो ऑन अ मैप एज द मैप्स आर स्मॉल. Therefore, everything draw on a map is several times smaller than its actual size. कि स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि कंट्री, सिटी और किसी भी एरिया का जब हम मैप बनाते हैं तो मैप तो स्मॉल साइज में होता है, लेकिन कंट्री, सिटी कोई भी हो वो तो बहुत बड़ी लार्ज साइज में होता है. तो उसको मतलब उसमें कोई किसी भी चीज़ को जब शो करते हैं जैसे कि बीच होगा, लेक होगा, उसको स्मॉल साइज में, सीवरल स्मॉल साइज, बिल्कुल ही स्मॉल साइज होता है उसमें शो किया जाता है. उसमें उसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो शो नहीं की जाती मैप में. अ मैप स्केल हेल्प्स अस टू वर्क आउट द एक्चुअल लेंथ ऑफ एन एरिया ऑन ग्राउंड और द रियल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. कि मैप स्केल जो है वो हमारी हेल्प करता है एक्चुअल लेंथ जो होती है किसी भी एरिया की या ग्राउंड की उसको मेजर करने में, या फिर जो टू पॉइंट्स मैप में शो किए होते हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस आता है उसको शो करने के लिए, मतलब उसको मेजर करने के लिए जो है वो मैप स्केल हमारी हेल्प करता है. एंड द नेक्स्ट इज डायरेक्शंस. डायरेक्शंस आर यूज्ड टू गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप. कि डायरेक्शंस जो होती हैं किसी भी प्लेस की, सिटी की या कंट्री की, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वहाँ पे प्लेसेस की वो शो करती हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस. की डायरेक्शंस टू टाइप्स की होती हैं. नंबर ए कार्डिनल डायरेक्शंस एंड द नंबर बी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. नंबर वन जो है कार्डिनल डायरेक्शंस, दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, द पॉइंट इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. दीज इंक्लूड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डायरेक्शंस जो हैं ये शो की गई हैं, ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं. बट इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो हैं जो नॉर्थ एंड साउथ के वेस्ट के बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं इनको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. एंड द लास्ट इज नीट लाइन. इट इज़ द बॉर्डर ऑफ अ मैप. इट डिफाइंस द एज ऑफ द मैप एरिया. कि जो नीट लाइन होती है, ये जो डार्क लाइन जो होती है इसको नीट लाइन बोलते हैं. ये एज शो करते हैं किसी भी मैप का. स्टूडेंट्स, आज ये हमारी लास्ट पॉइंट था. इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है और इसकी जो एक्सरसाइज है आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपने वहाँ से इसकी एक्सरसाइज जो है वो लर्न करनी है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.